वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन तो पिछला टॉपिक जो हमने खत्म किया था वो रेजिस्टिविटी था आपने उसको समझा होगा आपको बड़ी सारी चीजें उसमें नई सीखने को मिली होंगी लेकिन रेजिस्टिविटी एक ऐसा टॉपिक भी है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है ठीक है तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक न्यूमेरिकल से पहला न्यूमेरिकल है ये आपके लिए आज का और वो क्या है अ सिक्स ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग एक आपके पास सिक्स ओम का वायर है सिक्स ओम का वायर है और आप सिक्स ओम की वायर को क्या करते हैं यू डबल अप बाय फोल्डिंग आप समझने की कोशिश कीजिएगा ये सपोज कर लीजिए ये एक पूरी लेंथ है वायर की ठीक है जी ये पूरी लेंथ है वायर ओके okay? मतलब ये वायर जो है कहाँ से शुरू हुई है यहाँ से शुरू हुई है और यहां तक ये पूरी लेंथ है एक वायर की नाउ व्हेन वी से कि ये आपके पास वायर है एंड यू वांट टू डबल इट सो टू डबल इट मींस आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ देंगे और इसको डबल कर देंगे है ना तो आपने एक चीज़ नोटिस की जब आपने वायर को डबल किया तो जो इसका लेंथ था लेंथ ये था तो टोटल लेंथ ये था अब आपने इसको डबल किया तो डबल करने के कारण लेंथ जो है इट बिकेम हाफ ये हाफ हो गई ठीक है तो ये टोटल लेंथ थी वायर की लेकिन आपने इस वायर को डबल किया ओके और अब आपने जब इसको डबल किया तो 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 इसकी लेंथ जो है हाफ होगी तो खैर ये तो मैं एक दो पेंस की हेल्प से बता रहा हूं टोटल लेंथ ये, ये है और फिर आपने इसको डबल किया तो ये हाफ लेंथ होगी ठीक है अगर आप वायर के हिसाब से करेंगे तब भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी एक वायर होगी आप उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे इस तरह से तो उसकी लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी ठीक है तो याद रखिए जब भी आप एक वायर को डबल करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो हाफ हो जाती है ओके

Uh, वो डबल हो गया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नाउ यू हैव टू फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लेकिन रेजिस्टेंस फॉर्म uh, uh, के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इट इज रो एल अपॉन ए ये आपके पास फॉर्मूला uh, है ठीक है अब अभी अभी मैंने आपको बताया अगर आप इसका अभी देख लें ये क्या है लेंथ है वट इज दिस लेंथ ऑफ़ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर जो भी है यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये ए तो आपको पता है इट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ठीक है कंडक्टर एरिया इज एफ क्रॉस सेक्शन नाव वेन वी से न्यू लेंथ द न्यू लेंथ इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ है, so, uh, uh, है ना क्यों क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो ये थी ये टोटल लेंथ ये ओरिजिनल लेंथ है ये पूरी यहां से लेकर यहां तक ये ओरिजिनल लेंथ है है ना यहां तक ये पूरी जो है ये ओरिजिनल लेंथ है तो जब आपने इसको डबल किया इट बिकेम हाफ तो नया वाला लेंथ जो है उसको एल डैश से रिप्रेजेंट किया एंड इट बिकम्स हाफ ऑफ एल नाउ वट अबाउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बिकम एज आई वुल टोल्ड यू इट इज गोइंग टू बिकम डबल द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पुराना लेंथ है उसका हाफ करोगे तो नया लेंथ बनेगा और जो पुराना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको डबल करोगे तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा ये आपने याद रखना है ठीक है तो चलते हैं अब क्वेश्चन क्या था अ सिक्स ओम रेजिस्टेंस वायर इज अप बाय फोल्डिंग डबल्ड ओम रेजिस्टेंस वायर दी है और उसको आपने फोल्ड किया और वो डबल कर दिया मतलब ओरिजिनल एल एल था लेंथ अब वो हाफ एल हो गया ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था वो अब टू ए हो गया तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस तो न्यू रिजिस्टेंस यू आर गोइंग टू फाइंड द न्यू रिजिस्टेंस न्यू रिजिस्टेंस इज गोइंग टू बी रो एल डैश अपॉन ए डैश आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री टू इट कि नया वाला जो है वो इसी तरह से होगा ना रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि जो वायर आप यूज कर रहे हैं वो पहले भी आप, आपने तो सिर्फ ये इस तरह से लेंथ थी और आपने इसको फोल्ड कर दिया लेंथ ये थी और आपने फोल्ड कर दिया इससे लेंथ हाफ हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया लेकिन रेजिस्टिविटी पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मटेरियल तो सेम है ओके सो रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला है तो आर डैश इज गोइंग टू बिकम रो एल डैश अपॉन ए डैश लेट अस टेक द वैल्यूज रो शैल रिमेन सेम बट व्हाट अबाउट एल डैश इट इज गोइंग टू बिकम हाफ ऑफ एल व्हाट अबाउट ए डैश इट इज गोइंग टू बिकम ट्वाइस ऑफ ए

फोर रो एलअपॉन ए जो है वो क्या है रो एलॉन ए आपने यहां पर लिखा है रो एलअप एर है यानी कि और आर तो आपको दिया हुआ था इट वॉज वॉट आर इज गिवन टू यूर सिक्स सो वन पॉइंट फाइव ओम इज योर आंसर ठीक है आई एम गोइंग टू रिपीट इट वगेन सो

डिनोटेड विद आर डैश इट बी रो एल डैश अपॉन ए डैश रो तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम मटीरियल के बने हुए हैं तो एल डैश इज वन अपॉन टू एल एंड एज एंडल्यूज एंड आंसर सो इस तरह से आपने इसको किया स्लुकट द नेक्स्ट वन अपर वायर है डायमी ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम एम हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर जो है वो जीरो पॉइंट फाइव है आप सोचिए अगर डायमी जीरो पॉइंट फाइव है तो रेडियस हो गया 0.5 पॉइंट फाइव टू इज इट गोइंग टू बिकम, इट इज गोइंग टू बिकम 0.25 mm. नाउ इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जब मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे इट इज गोइंग टू बिकम 0.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पार माइनस थ्री जीरो पॉइंट टू फाइव 3 टेन रेज टू पार माइनस थ्री मीटर ये है इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आई एम गोइंग टू डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इट इज गिवन टू यू एंड इट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस एट मीटर ये इसकी रेजिस्टिविटी है सो so, 1.6 10 ओम मीटर अब हम क्या करेंगे आप देखिएगा ध्यान से मैंने ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दिया ताकि आप देखिए रो जो है 1.6 रेडियस जो है वो 0.5 पॉइंट फाइव पॉइंट टू होना चाहिए 0.25 पॉइंट टू उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और अब आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस टेन ओम इसकी रेजिस्टेंस टेन ओम करने के लिए वट विल बी देंथ ऑफ दिस वायर आपको इसकी लेंथ में क्या मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे तो बड़ा सिंपल है इसका लेंथ के बारे में सोचना आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैं आपको पहले यह बता दूं आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस इट इज रो एल अपॉन ए होप यू आर गोइंग टू अग्री टू इट ठ ठ ठीक है तो वट डज दैट मीन दैट मीन्स इसका मतलब हो गया एल जो है वो है आर ए अपॉन रो है ना आर ए अपॉन रो एल ये हो जाएगा है ना एल आपका आपका ये होना चाहिए मेरे ख्याल में ठीक है अब देखिए क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम हमें इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बनाना है उसके लिए इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए तो ऐसा है आपको जो भी करना हो अगर आप इसका टेन uh, ओम बनाने चाहते हो रेजिस्टेंस यानी कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है टेन ओम तो आपको लेंथ कितनी होनी चाहिए तो आप क्या करेंगे लेटस टेक एल इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया हुआ है टेन ओम ओके ओके इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पार माइनस थ्री का स्क्वायर ओके okay? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना अपॉन रो रो की वैल्यू तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पार माइनस एट ओम मीटर ये आपको गिवन है तो अब अगर आप सॉल्व करेंगे इसको आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आपको सॉल्व करके देखने पर पता लगेगा कि लेंथ की वैल्यू जो है इट इज गोइंग टू बिकम सिक्स को सॉल्व करके आप देखिएगा और जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा वन डबल टू पॉइंट सेवन मीटर सो आई शल रिपीट इट वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन वी हैव मेटल कंडक्टर

आपको पता होना चाहिए एरिया जो है वो पाई पाईआर स्क्वायर होगा यहां पर ओके एरिया जो होता है ना वो पाई पाईआर स्क्वायर होगा क्योंकि जब आप वायर की बात कर रहे हैं तो ये इधर से सर्कुलर एरिया है सर्कुलर पार्ट है है ना एक वायर जो है इस तरह से होगी ना तो ये सिलेंडर की फॉर्म में होती है तो ये सर्कुलर होता है और सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यहां पर क्या हो जाएगा पाई पाईआर स्क्वायर तो आप इस एरिया की जगह ए की जगह आपको पाई पाईआर स्क्वायर लेना पड़ेगा पाई तो ये हो गया और आर की वैल्यू आपको आपने निकाली जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन माइनस थ्री मीटर है तो जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस थ्री रेस टू पार टू आपने कर दिया इट इज नाउ इट इज गोइंग टू बिकम वन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन मीटर सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज वन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन मीटर ठीक है जी ये आपके पास यानी कि अगर आपके पास दस ओम का की वायर होगी अगर आपके पास दस ओम की वायर होगी तो जो लेंथ होगा वो 122.7 मीटर होगा अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बी पार्ट ये तो ए पार्ट था दिस इज ए पार्ट नाउ लेट अस स्टडी बी पार्ट अब हम बी पार्ट के बारे में बात करते हैं बी बी पार्ट पार्ट क्या होगा B है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड सो व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल टू ऑलवेज रिमेंबर रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्र ऑफ इट्स डा मीटर याद रखिएगा रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ इनवर्सली का मतलब हो गया ये नीचे आ जाएगा ना ठीक है रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर का स्क्वायर ठीक है तो अगर ऐसा आप कह रहे हो कि ये डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली uh, प्रोपोर्शनल होगा तो आप सोचिए क्वेश्चन था हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द इज़ डबल द इज़ डबल्ड सो इफ द डायमीटर इज डबल्ड मतलब सपोज करो ये था ये था आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर ठीक है ये ओरिजिनल था मैंने इस, इसको इस फॉर्म में अगर लिख दिया सपोज करिए ठीक है या आपने या आपने डायमीटर एक्स ले लिया तो हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू तो वन पॉइंट स्क्वायर इसके मुताबिक तो आर इज प्रोपोर्शनल टू अगर ये अपॉन स्क्वायर है और नया वाला डायमीटर जो है इट इज टू डी मतलब है ना तो ये टू डी का स्क्वायर हो जाएगा व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम इट इज गोइंग टू बिकम वन अपॉन फोर डी स्क्र इज यू कैन राइट इट वन अपॉन फोर इन टू वन अपॉइंट डी स्क्वायर ठीक है तो वट इज इट आर इज प्रोपोर्शनल टू One upon four into one upon d square, है ना तो इसका मतलब ये हो गया द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर जो मैं आपको बता चुका हूं देन द डायमीटर ऑफ द वायर एंड इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस विल बिकम वन फोर्थ तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा वो वन फोर्थ हो जाएगा मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए आप ध्यान से सुनिएगा जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डायमीटर के तो अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो वो हो जाएगा टू डी का स्क्वायर दैट इज फोर डी स्क्वायर ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन पॉइंट फोर ऑफ द ओरिजिनल ओरिजिनल डायमीटर का स्क्वायर ठीक है जी सो वेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस बिकम वन फोर्थ दिस इज द कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज द न्यू वन हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज थ इज ट्रिपल देखिए यह हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है आज का लेंथ uh, को ट्रिपल किया जा रहा है ठीक है तो पहला केस में लेंथ जो है लेंथ इज ट्रिपल यहां पर तीन केसेस है हम तीनों केसेस को एक एक करके स्टाडी करेंगे ठीक है नए केस में uh, है कि लेंथ को ट्रिपल किया जा रहा है मैं रिपीट कर रहा हूं हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है इफ द लेंथ इज ट्रिपल अगर लेंथ जो है वो क्या कर दिया जाता है इट इज ट्रिपल तो बड़े ध्यान से समझिएगा आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली रो एल अपॉन ए होता है ठीक है तो एल आपको तो पता है यहां पर लेंथ ऑफ वायर है और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेकिन अगर अगर लेंथ को ट्रिपल कर दें ठीक है जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट था कि हम लेंथ को वी आर गोइंग टू ट्रिपल इट तो नया रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि आर डैश हो जाएगा नया लेंथ एल डैश हो जाएगा और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हम रेजिस्टिविटी को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सेम कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं इस तरह का एक पार्ट जो है हमने पहला वाला क्वेश्चन शायद इसी तरह का था आप देखिए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपने क्या कहा कि लेंथ को आपने ट्रिपल कर दिया है लेंथ को अगर ट्रिपल कर दिया तो सोचिए एल डैश हो जाएगा थ्री एल ठीक है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या बन जाएगा अगर डबल करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आ, उसमें चेंज आता है है ना तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज आएगा क्वेश्चन क्या था इफ इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड अगर आप लेंथ को ट्रिपल कर देंगे तो क्या चेंज होने वाला है तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसमें चेंज नहीं करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिमेन सेम तो ए डैश इज गोइंग टू रिमेन सेम दैट इज ए तो जरा देखिए ये क्या बन गया इट इज गोइंग टू बिकम थ्री रो एल अपॉन ए एंड आई होप यू पीपल विल एग्री दैट रो एल अपॉन ए इज वॉट इट इज आर तो आर डैश हो गया आपका थ्री आर ठीक है रेजिस्टेंस भी जो है वो क्या होगी इट इज ट्रिपल्ड मैं रिपीट करता हूं आपको पता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अब हमें बोला गया एल को ट्रिपल कर दिया गया लेकिन हमने हमें यह नहीं बताया गया कि आ, उसी एक को जैसे आपने क्या किया था इतनी बड़ी वायर थी और आपने इसको डबल कर दिया तो जब ऐसा किया तो हमने कहा कि वायर की लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा है ना लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कहा गया कि कैसे ट्रिपल किया हो सकता है इसमें कुछ ऐड करके ट्रिपल किया गया हो जो कि मेरे ख्याल में वैसा ही होगा ठीक है जी तो अब आप ध्यान से देखिएगा लेंथ जो है वो ट्रिपल होगी तो ये आपके पास इस तरह से आर डैश जो है वो थ्री आर बन गया अब सेकंड पार्ट इसी uh, का हम देख रहे हैं लुक एट द सेकंड पार्ट डायमी ट्रिपल्ड इज दायामी ओके इफ द इज ट्रिपल्ड व्हाट अबाउट रेडियस डेफिनेटली रेडियस इज गोइंग टू बी ट्रिपल्ड है ना रेडियस भी ट्रिपल हो जाएगा आप सोचिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में जरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो होता है पाई पाईआर स्क्वायर यहाँ पर डेफिनेटली पाई आर डैश स्क्वायर होगा पाई आर डैश स्क्वायर का मतलब क्या हो गया इट इज पाई थ्री आर का स्क्वायर दैट इज नाइन पाई आर स्क्वायर इट इज नाइन पाई आर स्क्वायर व्हाट अबाउट नाइन पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो ए होता है आपको पता है इट इज नाइन ए सो क्या इंपैक्ट रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकेम

एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो आपने देख लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकेम नाइन टाइम्स लेकिन अभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज वेन इट्स डायमीटर इज ट्रिपल जब डायमीटर को ट्रिपल किया तो क्या चेंज आया तो डायमीटर को ट्रिपल करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नाइन टाइम्स हो गया लेकिन अब देखते हैं नया वाला रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा नया वाला रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम रो एल अपॉन ए डैश है ना एंड ए डैश इज वॉट देखिए हमने एल में कोई चेंज नहीं किया क्योंकि हमें बोला ही नहीं गया है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रो एल अपॉन नाइन ए वॉट इज दैट वन अपॉन नाइन रो एल अपॉन ए आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री दैट आर डैश इज ईक्वल टू वन अपॉन नाइन आर है ना क्योंकि ये रो एल अपॉन ए जो है ये क्या होता है ये तो आर होता है तो आर डैश इज गोइंग टू बिकम वन अपॉन नाइन आर तो यह था अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की फर्स्ट पार्ट में क्या किया था लेंथ को ट्रिपल किया था सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया हमने डाया मीटर को डाया मीटर इज ट्रिपल ठीक है फर्स्ट पार्ट में लेंथ को ट्रिपल किया दूसरे पार्ट में डायमीटर को ट्रिपल किया क्वेश्चन क्या था मैं रिपीट कर देता हूँ हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज हमने देखा कि अगर रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए है और अब आपने लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो क्या हो गया आ, जो नया रेजिस्टेंस है वो थ्री आर हो गया फिर हमने देखा डायमीटर जो है वो ओरिजिनल का थ्री डी है अगर तो नया वाला रेजिस्टेंस जो है वन बाई नाइन आर हो गया अगर डायमीटर इज ट्रिपल्ड तो नया रेजिस्टेंस इज वन बाय नाइन आर अब हम बात करेंगे वट इम्पैक्ट इज ऑन द रजिस्टिविटी वेन द मटीरियल इज चेंज टू वन whose resistivity इज थ्री टाइम्स अब नए वाले केस में क्या है मटीरियल को ही चेंज कर दिया और एक ऐसा मटीरियल लाया जिसकी रजिस्टिविटी जो है थ्री टाइम्स है मतलब ओरिजिनल रेजिस्टिविटी अगर आर रो थी तो नए वाली रजिस्टिविटी जो है थ्री रो डैश है ठीक है जी नई वाली रजिस्टिविटी जो है वो थ्री रो डैश है तो अब क्या इसमें चेंज आने वाला है वी आर गोइंग टू तो आपको पता है नया रेजिस्टेंस जो है इट इज गोइंग टू बिकम आर डैश इज इक्वल टू रो डैश एल अपॉन ए ठीक है जी तो आपको तो ये बताया गया कि नया वाला रेजिस्टिविटी रिज, जो है इट इज थ्री टाइम्स द ओरिजिनल वन है ना जो ये रेजिस्टिविटी जो है इट इज थ्री टाइम्स द आई एम सॉरी ये क्या था इट्स मटीरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज थ्री टाइम्स ये नया वाला रेजिस्टिविटी जो है ये ओरिजिनल का थ्री टाइम्स है ठीक है जी ये नई वाली रेजिस्टिविटी जो है ओरिजिनल की थ्री टाइम्स है ये आपको दिया हुआ है तो हम इस रो डैश की जगह लिखेंगे थ्री रो एल अपॉन ए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर डैश इज इक्वल टू थ्री रो एल अपॉन ए और रो अपॉन ए क्या होता है वो आपको पता है ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस जो है इट बिकेम थ्री टाइम मैं रिपीट कर देता हूं नए वाला रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है वो ओरिजिनल का थ्री टाइम है अगर तो आप देखिए अगर रो डैश जो है आपने थ्री रो लेना है तो हमें पता है नाव विनो ये इंप्लॉय स्टूडेंट डालेंगे नाव आर डैश इक्वल टू रो डैश अपॉन एल आर डैश एल ए आर डैश इक्वल टू रो डैश अपॉन ए तो रो डैश तो आपको बताया कि थ्री रो होना चाहिए तो हमने थ्री रो ले लिया और अपॉन ए अपनी जगह इसको मैंने ऐसे लिख दिया आर डैश इज इक्वल थ्री रो एलपोन ए और रो अपॉन ए हो गया आपका आ, थ्री आर आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा अब आज का लास्ट न्यूमेरिकल हम लेंगे और ये लास्ट न्यूमेरिकल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो आप ध्यान से देखिएगा ये आ, क्या है ज कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ इज वन मीटर इट इज गिवन टू यू दैट इट्स लेंथ इज वन मीटर आपको गिवन है कि लेंथ जो है वो क्या है वो वन मीटर है ठीक है जी तो लेंथ है जी वन मीटर दूसरी बात रेजिस्टेंस है ट्वेंटी थ्री ओम्स आपको गिवन है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है ट्वेंटी थ्री ओम्स है रेजिस्टेंस इज ट्वेंटी थ्री ओम्स ठीक है जी तो और आगे बढ़ते हैं एक और चीज गिवन है और तो आपसे आप बोला गया है कि आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है ठीक है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है रो इज इक्वल टू एल अपॉन एम सॉरी आर इज आँ इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ठीक है जी आर तो आपको गिवन है ट्वेंटी थ्री है रो आपको है इंटू 10 रेज टू पार माइनस सिक्स एल कितना है? It is 1 upon A. तो ये क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन पॉइंट एट फोर इंटू टेन रेज टू पार माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी थ्री आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आपको जो भी इसका आंसर आना होगा वो आपको पता लग जाएगा तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डैश मीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा तो मैं आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझाया होगा रेजिस्टिविटी आपने पिछले लेक्चर में समझा और नए लेक्चर में आपने उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए इनको प्रैक्टिस कीजिए अपना ध्यान रखिए गुड बाय